इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे 12 से लेकर के 19 तक का टेबल, वो भी एकदम ट्रिक के माध्यम से, जो आप लोगों को कभी नहीं भूलेगा। तो मैंने पहले एक वीडियो बनाई है 1 से लेकर के 100 तक का टेबल, वो भी एकदम ट्रिक के माध्यम से। तो मैंने उसमें सारे टेबल नहीं बताए हैं, अब हम 10 ही मिनट में सारे टेबल कैसे बता सकते हैं। तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि 12 का टेबल बताइए, 13 का टेबल बताइए, 15 का टेबल बताइए। तो आज हम आप लोगों को 12 से लेकर के 19 तक का टेबल बताएंगे। और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि 2 का टेबल बताइए, 4 का टेबल बताइए, 7 का टेबल बताइए। तो जिसको 2 से लेकर के 10 तक का टेबल नहीं याद रहेगा वो क्या पढ़ेगा, ये तो एकदम बेसिक होता है। जैसे हम ए से लेकर के जेड तक का अल्फाबेट याद करते हैं, 1 to 100 तक की काउंटिंग याद करते हैं, उसी तरह हमें 2 से लेकर के 10 तक का टेबल भी याद होना चाहिए। और हाँ, 1 से लेकर के 100 तक का जो टेबल है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज डू करिएगा लाइक। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल करिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 12 का टेबल। तो इसको लिखने का 2 ट्रिक होता है, तो आइए देखते हैं हम पहला ट्रिक। तो पहला ट्रिक ये है कि हम पढ़ेंगे 2 का टेबल और लिखेंगे 12 का टेबल। आइए बताते हैं, 2 1 2, तो लिखेंगे 2। अब कितनी बार गया है, 2 1 1 बार गया है, तो 2 के पहले हम 1 लगा देंगे। अब देखिए 2 2 4, तो यहाँ हम लिखेंगे 4। कितनी बार गया है, 2 2 2 बार गया है, 4 के पहले हम 2 लगा देंगे। फिर 2 3 6, अब कितनी बार गया है, 2 3 3 बार गया है, 3 बढ़ा देंगे 6 के पहले। देखिए हम पढ़ रहे हैं 2 का टेबल और आगे हम नंबर बढ़ा करके 12 का टेबल बना दे रहे हैं। अब देखिए 2 4 8, अब कितनी बार गया है, 4 बार, 8 के पहले 4 लगा देंगे। फिर 2 5 10, कितना है, 10 है। अब देखिए तो 2 डिजिट में आ गया, तो जब 2 डिजिट में आ गया तब हम क्या करेंगे कि कितनी बार गया है, 5 बार, 2 5 4, तो जो हमारा 2 का टेबल है 10, इसका जो 10 है हम उसको और जो 5 है उसे ऐड कर देंगे। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ पर 1 0 है तो इसको हम उतार देंगे। फिर 2 6 12, तो यहाँ 12 लिखेंगे। अब कितनी बार गया है, 6 बार, और यहाँ पर जो हमारा 10 का डिजिट है वो है 1, तो 6 + 1 हो जाएगा 7, और 2 है तो 2 को उतार देंगे। फिर 2 7 14, तो कितनी बार गया है, 7 बार, तो 7 + 1 हो जाएगा 8, और यहाँ 4 है तो 4 को उतार देंगे। फिर 2 8 16, तो यहाँ लिखेंगे 16, 8 बार गया है तो 8 + 1 हो जाएगा 9, और यहाँ 6 है तो 6 को उतार देंगे। फिर 2 9 18, अब कितनी बार गया है, 9 बार गया है, तो 9 + 1 हो जाएगा 10, तो यहाँ लिखेंगे 10। अब यहाँ 8 है तो 8 को उतार देंगे। फिर 2 10 20, तो यहाँ लिखेंगे 20, कितनी बार गया है, 10 बार गया है, तो 10 + 2 हो जाएगा 12, तो यहाँ 12 लिखेंगे, तो 10 है, 10 को उतार देंगे। देखिए हमारा टेबल बन गया 12 का। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108, 12 10 120. दोस्तों, आप इस ट्रिक से 19 तक का टेबल बना सकते हैं। अब आइए हम अपना दूसरा ट्रिक देखते हैं। तो दूसरा ट्रिक है, हमको 12 का टेबल लिखना है, तो पहले हम क्या करेंगे कि उन दोनों डिजिट्स को अलग कर देंगे। तो पहले हम 1 का टेबल लिखेंगे, फिर 2 का टेबल लिखेंगे। तो हमको 1 का टेबल लिखने की जरूरत नहीं है, हम 1 से लेकर के 10 तक की काउंटिंग लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब हम क्या करेंगे कि 2 का टेबल लिखेंगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, और 2 10 20. तो दोस्तों, जब तक ये हमारे जो दोनों टेबल लिखे हैं हम 1 का और 2 का, जब तक ये 1 डिजिट का रहता है तब तक तो हम इसको वही लिखते हैं, और जब 2 डिजिट का आ जाता है तब हम क्या करते हैं कि जो हमारा 1
टेबल है वो और जो 2 का टेबल है उसमें का टेंस वो दोनों ऐड कर देते हैं। आइए हम आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पर हमारा दोनों 1 डिजिट है जिसको हम वही लिख देंगे आ जाएगा 12। यहाँ पर 2 और 4 है वो आ जाएगा 24। यहाँ पर 3 और 6 है तो आ जाएगा 36। यहाँ पर 4 और 8 है तो आ जाएगा 48। अब देखिए यहाँ पर 2 डिजिट आ गया तो हम क्या करेंगे कि 5+1 कर देंगे तो आ जाएगा 6 और 10 है तो इसको हम वही उतार देंगे। अब 6+1 हो जाएगा 7 और 2 है तो 2 को उतार देंगे। अब 7+1 हो जाएगा 8 तो 8 लिखेंगे और 4 है तो 4 को उतार देंगे। अब 8+1 हो जाएगा 9 और 6 है तो 6 को उतार देंगे। फिर 9+1 हो जाएगा 10। अब यहाँ पर 8 है तो 8 को उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पर भी 2 डिजिट है यहाँ पर भी 2 डिजिट है तो इसको हम सेम उसी तरह से करेंगे। 10+2 हो जाएगा 12 और यहाँ पर 10 है तो इसे हम उतार देंगे आ जाएगा 120। दोस्तों आप इस रिक्शे से 19 तक का टेबल बना सकते हैं। आपको जिस ट्रिक से अच्छा लगे आप उस ट्रिक से टेबल बना सकते हैं। आइए देखते हैं हम 13 का टेबल। तो दोस्तों 13 का टेबल लिखने के लिए पहले हम 1 का टेबल लिखे हैं फिर 3 का टेबल लिखे हैं और जो हमारा 1 डिजिट है इसको हम उसी तरह से उतार दिए हैं, मतलब जो हमारा 1 नंबर है उसको हम उसी तरह से उतार दिए हैं। तो यहाँ पर 1 और 3 है तो 13 हो गया। यहाँ पर 2 और 6 है तो 26 हो गया। यहाँ पर 3 और 9 है तो 39 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 12 आ गया, हमारा 2 डिजिट हो गया तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा 1 का टेबल है 4 और जो 3 का टेबल है 12 इसका टेंस कितना है 1 है तो 4+1 कर देंगे। 4+1 हो जाएगा 5 और 2 है तो 2 को उतार देंगे। फिर 5+1 हो जाएगा 6, फिर 5 है तो 5 को उतार देंगे। फिर 6+1 हो जाएगा 7, फिर 8 है तो 8 को उतार देंगे। अब 7+2 हो जाएगा 9, फिर 1 है तो 1 को उतार देंगे। फिर 8+2 हो जाएगा 10, फिर हमारा 4 है तो 4 को उतार देंगे। 9+2 हो जाएगा 11, फिर 7 है तो 7 को उतार देंगे। फिर 10+3 हो जाएगा 13, फिर 10 है तो इस 0 को उतार देंगे। देखिए हमारा 13 का टेबल बन गया। 13 1 13 13 2 26 13 3 39 13 4 52 35 68 36 78 39 91 13 9 113 13 10 130। आइए हम देखते हैं 14 का टेबल। तो 14 का टेबल लिखने के लिए हम क्या किए हैं कि पहले 1 का टेबल लिखे हैं फिर 4 का टेबल लिखे हैं। तो यहाँ पर 1 है और 4 है तो 14 हो गया। यहाँ पर 2 है और 8 है तो 28 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 डिजिट आ गया तो सेम हम इसमें भी वही करेंगे। तो हमारा 1 का टेबल है 3 और 4 का टेबल है 12 तो इसका टेंस क्या है 1 है तो 3+1 हो जाएगा 4 और 2 है तो 2 को उतार दिए हैं। फिर 4+1 5, फिर 6 है तो 56, फिर 5+2 हो जाएगा 7, फिर 0 है तो 70, फिर 6+2 हो जाएगा 8, फिर 4 है 4 को उतार दिए हैं। 7+2 हो गया है 9, अब देखिए 8 है तो 8 को हम उतार दिए हैं। फिर 8+3 हो गया 11, फिर 2 है तो 2 को हम उतार दिए हैं। फिर 9 और 3 हो जाएगा 12 और यहाँ पर 6 है तो 6 को हम उतार दिए हैं। फिर 10+4 हो गया है 14, अब यहाँ पर 10 है तो इसको हम उतार दिए हैं। देखिए हमारा 14 का टेबल बन गया। 14 1 14, 14 2 28, 14 3 42, 14 4 56, 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, 14 8 112, 14 9 126, 14 10 140। अब आइए हम 15 का टेबल लिख लेते हैं। तो 15 का टेबल लिखने के लिए हम क्या किए हैं कि 1 का टेबल लिखे हैं फिर 5 का टेबल लिखे हैं। तो यहाँ पर 1 है और 5 है तो हो गया है 15। यहाँ पर देखिए 2 डिजिट आ गया तो 2+1 हो गया है 3, फिर 10 है तो उसको हम बढ़ा दिए हैं। 3+1 हो गया है 4, फिर 5 को उतार दिए हैं। फिर 4+2 हो गया है 6, फिर 0 को उतार दिए हैं। इसी तरह हम सारा ऐसे ऐड करके लिख दिए हैं और जो आगे का नंबर है उसको बढ़ा दिए हैं। देखिए हमारा 15 का टेबल बन गया। 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 9 135, 15 10 150। आइए हम देखते हैं 16 का टेबल। तो 16 का टेबल लिखने के लिए पहले हम 1 का टेबल लिखे हैं फिर 6 का टेबल लिखे हैं। तो यहाँ पर 1 है और 6 है तो 16 हो गया। यहाँ पर 2, अब देखिए यहाँ पर हमारा 2 डिजिट आ गया
5 + 3 हो गया है 8, फिर 0 तो हम 0 लिख दिए हैं, 6 + 3 हो जाएगा 9, फिर यहाँ पर 6 है तो हम 6 लिख दिए हैं, फिर 7 + 4 है 11, फिर 2 है तो हम 2 लिख दिए, फिर 8 + 4 हो जाएगा 12, फिर 8 है तो हम 8 लिख दिए, 9 + 5 हो जाएगा 14, फिर यहाँ पर 4 है तो हम 4 लिख दिए, फिर 10 + 6 हो जाएगा 16, अब देखिए यहाँ पर 10 है तो हम 0 लिख दिए, देखिए हमारा 16 का टेबल बन गया, 16 1 = 16, 16 2 = 32, 16 3 = 48, 16 4 = 64, 16 5 = 80, 16 6 = 96, 16 7 = 128, 16 9 = 128, 16 10 = 128, 16 10 = 160। अब आइए हम 17 का टेबल देख लेते हैं, तो 17 का टेबल लिखने के लिए पहले हम 1 का टेबल लिखे हैं, फिर 7 का टेबल लिखे हैं, यहाँ पर 1 है और 7 है तो हो गया 17। अब देखिए 2 डिजिट आ गया, तो 2 + 1 हो गया है 3, फिर 4 है तो हम 4 लिख दिए, 34 हो गया, फिर 3 + 2 हो गया 5, फिर 1 है तो हम 1 लिख दिए, 4 + 2 है 6, फिर 8 है तो हम 8 लिख दिए, 5 + 3 हो जाएगा 8, फिर 5 है तो हम 5 लिख दिए, 6 + 4 हो जाएगा 10, फिर 2 है तो हम 2 लिख दिए, 7 + 4 हो जाएगा 11, फिर 9 है तो हम 9 लिख दिए, अब 8 + 5 हो जाएगा 13, फिर 6 है तो हम 6 लिख दिए, 9 + 6 हो जाएगा 15, फिर 3 है तो हम 3 लिख दिए, हमारा हो गया 153। अब है 10 और 70, तो 10 + 7 हो जाएगा 17 और 0 है तो हम यहाँ पर 0 लिख दिए, देखिए हमारा 17 का टेबल बन गया, 17 1 = 17, 17 2 = 34, 17 3 = 51, 17 4 = 68, 17 5 = 85, 17 6 = 102, 17 7 = 119, 17 8 = 119, 17 8 = 130, 17 9 = 150, 17 10 = 170। आइए हम देखते हैं 18 का टेबल, तो 18 का टेबल लिखने के लिए पहले हम 1 का टेबल लिखे हैं, फिर 8 का टेबल लिखे हैं, तो यहाँ पर 1 है और 8 है तो 18 हो गया, फिर देखिए 2 डिजिट आ गया, तो जो हमारा 1 का टेबल है 2 और 8 का टेबल है 16, तो 16 का जो 10 है वो और 2 हम ऐड कर देंगे, तो 2 + 1 हो जाएगा 3, फिर 6 है तो हम 6 लिख दिए, 3 + 2 हो जाएगा 5, 4 है तो हम 4 लिख दिए, 4 + 3 हो जाएगा 7, 2 है तो हम 2 लिख दिए, 5 + 4 हो जाएगा 9, फिर 0 तो हम 0 लिख दिए, 6 + 4 हो जाएगा 10, फिर 8 है तो हम 8 लिख दिए, 7 + 5 हो जाएगा 12, तो 6 है तो हम 6 लिख दिए, 8 + 6 हो जाएगा 14, 4 है तो हम 4 लिख दिए, 9 + 7 हो जाएगा 16, फिर 2 है तो हम 2 लिख दिए, 10 + 8 हो जाएगा 18, फिर 10 है तो हम 10 लिख दिए, देखिए हमारा 18 का टेबल बन गया, 18 1 = 18, 18 2 = 36, 18 3 = 44, 18 3 = 54, और 18 4 = 72, 18 5 = 90, 18 6 = 108, 18 7 = 126, 18 8 = 144, 18 9 = 162, और 18 10 = 180। दोस्तों आप इसी तरह से 19 का भी टेबल बना सकते हैं, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।